আমাদের ডক্টর ম্যাডাম স্যার এখানে উপস্থিত, পোষণ টিম, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, সুপারভাইজার্স, মা বোনরা, দাদা, সবাইকে আজকের এই প্রোগ্রামে আন্তরিক শুভেচ্ছা যে আমরা এখানে পোষণ মার মাধ্যমে একটা পোষণ পঞ্চায়েতের প্রোগ্রাম এখানে আয়োজন করছে। যে আজকে অর্থাৎ দেখি পঞ্চায়েত এখানে আছে কিন্তু পোষণ মার মধ্যে কেন পোষণ পঞ্চায়েত, ওয়াই কিস নিয়ে কেউ জরুরত হওয়া এ সব চিজো কাজ মানে বারে মে থা জানি দূগা আপসে। পহলে আমারে দেশ কি এক ডেমোগ্রাফি বলতে এক চিজ হ্যাঁ, ডেমোগ্রাফি মতলব আমারে দেশ কি পপুলেশন, আমারে দেশ মে কতনে পপুলেশন হ্যাঁ। 2011 সে লেকে 2011 কাজ সেন্সাস জো হুসমে সে আমারে দেশ কে 121 crore পপুলেশন থা। ও সিফ পুরুষ নাই থা, ও সিফ মহিলায় নাই থে, উসমে বহুত সারে বাইফারকেশন থা। জেসে মান লো 0 to 6 years, 7 to 10 years, 11 to 14 years, 15 to 29 years, मतलब इस तरीके की कैटेगरी से हमारे एक देश का पॉपुलेशन बनता है, देश का डेमोग्राफी बनता है। अगर हम बात करेंगे हमारे महिलाएं, अगर हम बात करेंगे जो एडोलेशन गर्ल्स 11 साल से 14 साल के अंदर में क्या ये किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट हो रहा है, या इन लोगों को पंचायत के मीडियम से किस तरीके का कनेक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कर सकता है, मैं ये सब चीज़ों के ऊपर दो चार बात करूंगा। हर एक पंचायत में ग्राम सभा होता है, कई कई ग्राम पंचायत में लड़कियां ही नहीं, औरतें नहीं, ग्राम सभा हो रहा है पुरुषों का, तो पुरुष कितना जानेगा महिलाओं की प्रॉब्लम को, पुरुष कितना बोल सकते हैं महिलाओं की प्रॉब्लम को। तो आज की तारीख में ग्राम सभा में हमें महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करना है और बच्चों को भी जो एडोलेसेंट गर्ल्स है उसको भी पार्टिसिपेट कराना है। कैसे? क्योंकि जब पार्टिसिपेट करेंगे तो एक पंचायत की प्लानिंग में अलग अलग प्रोग्राम्स डाल दिया जाता है। जैसे मान लो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का मतलब है ये पंचायत के अंदर में जितने बच्चे हैं उसकी सिक्योरिटी पंचायत एक दायित्व है। जहाँ पर बहुत सारे स्कूल चल रहा है वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, मान लो जहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हमारे बच्चों को सही दिशा देने के लिए कन्वर्जेंस मतलब कोऑर्डिनेशन, हाथ से हाथ मिला के एक साथ काम करने के लिए ये पोषण पंचायत रखा गया है, जिसके लिए हमें हमारे पंचायत के साथ में ऐसा नहीं है कि मैं तो आंगनबाड़ी वर्कर हूँ मैं ग्राम सभा में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आपके सेंटर आपकी पंचायत के अंदर में और आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप किसको बताएंगे, पंचायत को बताएंगे? क्योंकि आपके सेंटर में बच्चे कहाँ से आता है, आपके गांव से आता है, तो गांव की मालिक कौन है, पंचायत है, तो पंचायत से हमें बात करना पड़ेगा, उनसे मशवरा करना पड़ेगा और जो जरूरत है उसको हम प्रपोजल के मीडियम से डाल सकते हैं और गांव पंचायत की प्लानिंग में ये चीजें मतलब जो है सिलेक्शन किया जाना चाहिए और इसको रिनोवेशन या उसको अलग से किस तरीके से डेवलप करें, क्योंकि उस सेंटर को पहले चलाना है। मान लो बहुत सारे जगह पर हमने विजिट किए, सेंटर इज नॉट इन द वर्किंग कंडीशन, सेंटर में बच्चे नहीं आ सकते, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा में इसका चर्चा होना बहुत जरूरी है। 2 अक्टूबर में ग्राम सभा होगा ऑल ओवर इंडिया। जो हमारे देश की फादर है, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी की बर्थडे के दिन में देश भर में ग्राम सभा बनाता है, तो उसमें हमें जाना है, उसमें ये प्रपोजल डालना है। 2 नंबर बात, ये जो हमें सिरिसपुर एरिया है यहाँ पर टी गार्डन एरिया है, जो हमारे हैलाकंदी में बहुत सारे टी गार्डन एरिया है। अभी आप देखेंगे टी गार्डन एरिया के प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग से 12,000 रुपये का एक स्कीम है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है आप पता कर लीजिए, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द कम्युनिटी पीपल, और आपकी आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर में कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर मदद करके
से 12,000 मिलता है तो ये आपकी क्रेडिट है, ये आपकी क्रेडिट है, ये आपकी शो कॉज है। तो हमें स्कीम के बारे में जानना पड़ेगा। 12,000 रुपए मान लो बागान में महिलाएं टी गार्डन में काम करते हैं तो प्रेगनेंसी के समय में इधर उधर जाना, दूर जाना, गाड़ी में चलना, पैकिंग करना, ये सब बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से ये स्कीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आसाम के थ्रू से ये 12,000 रुपए हर एक प्रेगनेंसी वुमेन जो टी गार्डन एरिया स्पेशली उनको मिलने का प्रवक्ता है। तो ये चीज हमें अवेयर होना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे आयला गांधी जो है पूरे असम में 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पर चाइल्ड मैरिज बाल विवाह ज्यादा होता है उसी 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे आयला गांधी भी है। तो हमें इससे बचाना है। बाल विवाह जो जितना परसेंटेज हो रहा है कितना 100 में से 32.5% बाल विवाह हो रहा है तो इसका दायित्व हमें लेना होगा। क्योंकि जब बच्चे 18 साल के पहले में गर्ल्स बच्चे जो गर्ल्स है उनको 18 साल और पुरुष जो है वो 21 साल के अंदर में कोई शादी करता है तो उसको बाल विवाह बोलता है। तो हम तो सब जानते हैं, हम कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं, किसके घर में किसके बच्चे शादी हो रहा है। मान लो जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है वो तो 18 साल नहीं हुआ, उसका जब शादी हो रहा है कोई नहीं बोल रहा है, बोलना पड़ेगा। आप एक नंबर दिमाग में डाल दीजिए 1098 1098 1098, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपकी आसपास में कहीं भी जगह पर अगर आप बाल विवाह दिखाई दे रहा है, जानकारी हो गया तो आप जानकारी दे दीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट को दायित्व दे दीजिए, वो अपने काम करेंगे। हमारा काम है डिस्ट्रिक्ट और गांव से लिंकेज कराना, ये 1098 है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहा है, मोबाइल में फोन आता है आपका बैंक का वो हो गया, पिन नंबर चाहिए, वो चाहिए, हम लोग इजीली दे देते हैं। कोई भी बैंक से आपको डायरेक्टली फोन नहीं करेंगे लोन के लिए, आपको जाना होगा। अगर कोई लोन के लिए आपको फोन करता है वो फैक्ट है, वो गलत है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अनफर्नाइज रिच रिच प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर लॉयर फेल हो चुका है साइबर क्राइम में। तो हमें एक चीजों से बचना होगा। एक नंबर, कोई भी नंबर अनजान व्यक्ति से फोन अगर आता है तो उसे नहीं उठाना है। कई एडोलेसेंट गर्ल है, किशोरी बच्चे हैं जो फोन के माध्यम से बहुत गलत रास्ते में चला गया, ट्रैफिकिंग हो गया, चोरी करके लेके चला गया, प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, बहुत सारी चीजें होता है। खास करके हमारे बागान एरिया में हमें और ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। हमें अपने काम को रेस्पॉन्सिबल पर्सन हिसाब में काम करना होगा। सैलरी मिल रहा है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं, एक विजन एक ऑब्जेक्टिव के साथ में हमें काम करना है और तभी हम अपने सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। ये जो आपको याद रखना है 1098, ये बाल विवाह रिलेटेड कोई भी केस, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, ये समस्त चीज के ऊपर काम करता है। अभी और एक चीज बताऊंगा जो विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें हमारे जो ख्यालात है, हमारे जो सोच विचार है, जेंडर जेंडर मतलब महिलाएं और पुरुष, हम सब चाहते हैं सब लड़का बच्चा हो, लड़का सब समय प्रिफर करता है, लड़का और लड़की दोनों का डिफरेंस। पहले हमें अपने आप को मानना पड़ेगा, दोनों समानता है। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की संविधान दोनों को समानता अधिकार देता है। हमारे देश का 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है इसमें से 50% महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं। तो महिलाओं को एजुकेटेड होना, अवेयर होना, पार्टिसिपेटिव होना, डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। यही हमारे देश की एक एजेंडा है जो पुरुष और महिलाएं एक साथ समानता में जो है हमें डेवलप करना है। आज के ये प्रोग्राम 2018 से 5वां साल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोषण माह में हम काम करेंगे और बाद में काम नहीं करेंगे, नहीं, इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। पोषण माह हो या ना हो हमें ये चीजों को प्रमोट करना है। खास करके प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और 0-6 ईयर और एडोलेसेंट गर्ल, क्योंकि हमारे डॉक्टर मैम को मैं थैंक यू
बोलना चाहूंगा क्योंकि इतना अच्छा एजुकेशन दिया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मान लो सीखना कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस अनटिल एंड अनलेस वी आर अलाइव इन दिस वर्ल्ड। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि हमने सब कुछ सीख लिया, ये नहीं है। मैंने आज बहुत कुछ सीखा मैम, इट वॉज ए वेरी नाइस स्पीच। और इस तरह अगर हम सीखेंगे तो हम 60 ईयर्स होने से भी बहुत सारे चीज़ों को चेंज कर सकता है। दो नंबर बात, हमारे जो एल्डर्स एनीमिया की बात कर रहे थे मैडम, हमारे जो एल्डर मैक्सिमम एनीमिया है, हमारे वुमेन मोर देन 70% एनीमिया प्रॉब्लम होता है, ब्लड की कमी, क्योंकि बाल विवाह की वजह से। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ रेट है, हमारे जो बड़ा होता है ना, ये 28 साल तक होता है। ये 28 साल तक हमारे फिजिकली मेंटली सोशली स्पिरिचुअली डेवलप होता है। अभी मान लो एक लड़की 16 साल में शादी हो गया, 15 साल में शादी हो गया, तो उसका तो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे देश में जाना जाता है 18 साल जब होगा तो एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट रेडी हो जाता है प्रेग्नेंट होने का या रिप्रोडक्शन करने का या संसार चलाने का। तो 16 साल में क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे, वो तो स्टूडेंट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, शादी होने के बाद नेचुरली बच्चा पैदा हो जाएंगे। 20 साल जब होंगे उनका तो 2-3 बच्चे की माँ बन जाएंगे, तो नेचुरली उसमें एनीमिया होगा, एक नंबर बात। दो नंबर, जो बच्चे वो जन्म देंगे वो भी एनीमिया होगा, वो भी वेट लॉस होगा, वो भी मेंटल अनडेवलप या अंडर डेवलप बच्चे होंगे। तो आप चाहते ही क्या? नहीं चाहते। हम लोग सोचते हैं बच्चे जो गर्ल है, जो किशोरी है, जो बड़ा होगा 12-15-16 साल में शादी करा देने से हमारा दायित्व खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को जब 16 साल में शादी करा के मेरा दायित्व खत्म हो गया अगर सोचेंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? तो इसीलिए ये सब चीजें बिल्कुल गलत बात है। हमारे बच्चों को प्रमोट करना है इक्वली, लड़का लड़की समानता में देख के उसको प्रमोट करना है, तभी तो IAS बनेंगे, तभी ACS बनेंगे, तभी MLA बनेंगे, तभी जिला परिषद बनेंगे, तभी महिलाओं के लिए बात करेंगे। इसीलिए हमें बात करना होगा, हमें अवेयर बनना होगा और अपने अपने दायित्व जो है वो प्रोफेशनली परफेक्टली आपको काम करना है, देखना उसमें बहुत मजा आएगा। तो एनीवे और भी बहुत सारे बातें हैं, फिर कभी बात करेंगे जब मौका मिलने से, क्योंकि एक दिन में सब कुछ सिखा नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। लिटल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन मेक ए ओशियन, ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मोर। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द CGPO फॉर मोशन टीम फॉर स्पीकिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।